500 वर्षों के बाद पूरे देश में अपने जितने हिंदू सनातनी हैं सबके मन में एक ऐसा विश्वास जगा कि जो हमारे आस्था के केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो मैं कहूँ आज कि वो राजनीति के शिकार हुए थे कि लोगों की जो सोच थी जो राम अयोध्या में पैदा हुए थे पूरा आर्यभट्ट उनका राजपाट था लेकिन किस तरह से लोगों ने उनको अपने ही घर से वंचित किया था और 500 वर्षों की जो तपस्या रही है बहुत से उसमें हमारी कितनी पीढ़ियां चली गई लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि केंद्र और प्रदेश में जो हमारी सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम सब उसके साक्षी बने। 22 जनवरी को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारे रामलला उस भव्य दिव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई तो 130-135 करोड़ का ये भारत सभी सनातनी आज खुश हैं। आज होली का यह पावन जो पर्व है सभी जो लोगों के जो एक दूसरे के प्रति अगर कहीं कोई द्वेष भावना भी रहती है तो इसे मिटा करके हम सब होली का पर्व मनाते हैं। यह खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है और आज के अवसर पर अपने विधानसभा के सभी सम्मानित जो हमारी मातृशक्ति है, हमारे प्रबुद्धजन है, नौजवान साथी हैं, बच्चे हैं, सबको अपने सभी सम्मानित अभिप्राय विधानसभा की जनता को मैं अपनी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि यह होली उनके जीवन में एक नए उमंग नए उत्साह के साथ लेकर के जो होली आ रही है आगे भी इसी उत्साह के साथ यह भारत विकसित भारत 2047 में अगर इसे बनाना है तो सबको अपने देश के साथ खड़ा होना पड़ेगा और मैं कह सकता हूँ कि जब राष्ट्र मजबूत होगा तो निश्चित है कि यह भारत विकसित भारत बनेगा, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मैं यही कहना चाहूँगा।